अगर मेरा बस चले तो एक एक हिंदुस्तानी को गोली से उड़ा दूं। हम हिंदुस्तानियों की वजह से आप लोगों का वजूद है। फ्रेंड गदर ने 21 साल बाद सिनेमा घरों में इतिहास रच दिया है। गदर ने बॉक्स ऑफिस पर जो कर दिखाया शायद ही दोबारा होगा। गदर की री रिलीज कमाई ने सभी को चौंका दिया है। गदर एक प्रेम कथा फिल्म सनी देओल और अमीषा पटेल की 21 साल पुरानी फिल्म है। इस फिल्म का अब सीक्वल आने वाला है जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले 9 जून 2023 को फिल्म गदर को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था। इस फिल्म ने 21 साल बाद वह कारनामा कर दिखाया है जो बड़ी बड़ी फिल्में भी शायद नहीं कर पाएंगी। गदर री रिलीज कलेक्शन ने इतिहास रच दिया है। फ्रेंड ये सब 11 अगस्त को आने वाली गदर 2 की हाइप बढ़ाने के लिए किया गया है और लोग वाकई में काफ़ी क्रेजी हैं गदर 2 को लेकर। तो फ्रेंड गदर फिल्म को रिलीज हुए आज सिनेमाघरों में 21वां दिन चल रहा है और फिल्म आज भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है। फ्रेंड फिल्म को कुछ सीमित स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था। फ्रेंड फिल्म ने पहले दिन 30 लाख की कमाई की तो वहीं अपने दूसरे दिन 45 लाख के आसपास का कलेक्शन किया। तो फ्रेंड जैसा कि आप सभी को पता होगा आने वाली 11 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है सनी देओल की फिल्म गदर 2 जिसको लेकर फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। लेकिन फ्रेंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गदर एक प्रेम कथा की जिसको आज सिनेमा घरों में रिलीज हुए 21वां दिन चल रहा है। तो फिल्म अभी तक यानी कि अपने पहले 21 दिनों में यह फिल्म टोटल कितनी कमाई कर चुकी है और अब फिल्म को किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है। तो फ्रेंड ये सब जानने के लिए बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा लास्ट तक। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप सनी देओल को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं और फ्रेंड एक्टर सनी देओल को दिल से पसंद करते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड अगर बात करें फिल्म गदर एक प्रेम कथा की तो अनिल शर्मा के डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी जिसमें सनी देओल, अमीषा पटेल, अमरेश पुरी अहम किरदारों में नजर आए थे। जब साल 2001 में ये फिल्म रिलीज हुई थी तो फिल्म का बजट 19 करोड़ रुपये का था। लेकिन फ्रेंड अब साल 2023 में इस फिल्म को एक बार फिर से 4K रेजुलेशन में सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था। तो फ्रेंड आपको बताते चले कि फिल्म को दोबारा रिलीज करने पर 2 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। लेकिन फ्रेंड फिल्म को री रिलीज करने पर कितने करोड़ रुपए खर्च हुए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि फिल्म को किस तरह का रिस्पॉन्स मिला है और फिल्म किस तरह से ताबड़तोड़ कलेक्शन कर रही है ये आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। सिर्फ 400 स्क्रीनों पर फिल्म को रिलीज किया गया था और फिल्म का जो टिकट प्राइस था वो था सिर्फ 75 रुपये का। लेकिन फ्रेंड इसके बावजूद ये फिल्म अपने पहले 21 दिनों में 3.5 करोड़ रुपए के आसपास कमा चुकी है। जी हाँ फ्रेंड 22 सालों के बाद दोबारा रिलीज होने के बाद कमाए हैं। फ्रेंड कोई भी फिल्म हो चाहे शाहरुख खान की DDLJ हो या फिर सुपरस्टार प्रभास की फिल्म बाहुबली 2 फ्रेंड दोबारा रिलीज होने के बाद इतनी कमाई कभी किसी फिल्म ने नहीं की है। तो फ्रेंड आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब सनी देओल की फिल्म गदर 2 सिनेमा घरों में दस्तक देगी तो किस तरह का रिस्पॉन्स मिलने वाला है। फ्रेंड मुझे लगता है कि गदर 2 फिल्म अपने पहले दिन यानी कि ओपनिंग डे पर लगभग 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ओपनिंग लेने वाली है। लेकिन फ्रेंड आप लोग गदर 2 का वेट कर रहे हैं कि नहीं और फिल्म गदर आपने सिनेमा घरों में जाकर देखी है या फिर नहीं, फ्रेंड अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।